वीडियो में फ्रेंड्स हम एक 100 वाट का पोर्टेबल एम्पलीफायर बनाने वाले हैं, जिसे आप कहीं भी ले जा सकते हो और कहीं भी रख सकते हो, और वो बैटरी से भी वर्क करेगा। तो उसके लिए हमें जो चीज़ चाहिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। लिए मैं ये एम्पलीफायर बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ 4440। इसके सारे कनेक्शन कैसे करते हैं, कहाँ से होते हैं, वो सभी मैंने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल से बताया है फ्रेंड्स, तो आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हो। पुराना पड़ा था एम्पलीफायर बॉक्स एक, जिसका एम्पलीफायर मैंने निकाल लिया था जो कि खराब था, इसलिए अगर आप ये आपको ये ना मिले तो आप कार्डबोर्ड या अप्लाई का यूज़ कर सकते हो, MDF का भी। हम ये लिथियम आयन बैटरी का यूज़ करेंगे फ्रेंड्स। आप सोच रहे होगे ये क्या है, तो मैंने ये लिथियम आयन बैटरी का चार्जर बनाया था फ्रेंड्स, ये एक साथ 3 बैटरियों को चार्ज कर दे सकता है और ये बहुत ही चीप रेट में बन के तैयार हो जाता है। तो अगर आपको इसका वीडियो देखना है तो अभी आई बटन में इसकी लिंक आ रही है, तो आप उसे देख सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे सीरीज में कनेक्ट कर लिया है पूरा, इस प्रकार से कनेक्शन है। आप देख के भी कर सकते हो, इधर नेगेटिव लगेगा, प्रकार का सॉकेट का भी यूज़ कर सकते हो। ये लोकल मार्केट में आराम से मिल जाता है 60-70 रुपये का। इस ट्रांसफॉर्मर का यूज़ करने वाला हूँ। तो अब हम स्पीकर ग्रिल लगाने वाले हैं। अब हम इसको लगाने वाले, तो इसमें थोड़े पहले कनेक्शन करने होंगे, जैसे कि ये हमारा RCA सॉकेट हो गया, ये सॉकेट हो गया, हमारा ये हो गया, तो सारे मैं कर लेता हूँ। कनेक्शन कर लिए, जैसे कि इधर स्पीकर का हो गया, इधर पावर सप्लाई का हो गया, हमारा बॉक्स का हो गया फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये सारे कनेक्शन मैंने पिछले वीडियो में बताए थे। तो देखिए 16 वोल्ट आ रहा है, वो किस चीज़ पे आ रहा है वो भी मैं दिखाता हूँ। तो देखिए ये जो बड़ा वाला कैपेसिटर है फ्रेंड्स, उस पर हमारा 16 वोल्ट आ रहा है। अब उसके बगल में ये जो आप उससे छोटा वाला देख रहे हैं, अब हम उस पर वोल्टेज चेक करते हैं। ये फ्रेंड्स एप्रोक्स 11.5 वोल्ट आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है इसे चार्ज करने के लिए। तो अब हम क्या करने वाले हैं वो देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे पूरा जैसे आपको बताया था वैसे लगा लिया है, सारे वॉल्यूम लगा लिए। ये जो हमारे है ये 220 वोल्ट में जाएंगे फ्रेंड्स, ये LED के है फ्रेंड्स। इधर हमारे 16 वोल्ट आते हैं जो कि इस कैपेसिटर के है, और इधर हमारे 11 वोल्ट आते हैं जो कि इस कैपेसिटर के है फ्रेंड्स। हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे ताकि हमारा बैटरी पे भी वर्क करेगा, इसको हम बैटरी को चार्ज करने के लिए करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स वो कनेक्शन हम कैसे करते हैं। इधर आप 6 पिन स्विच देख पा रहे होगे, उसमें क्या होता है 3 इनसाइड पोर्ट होते हैं और 3 इस साइड पोर्ट होते हैं फ्रेंड्स। पॉइंट मतलब हमारी जो ये पिन आप देख पा रहे होगे वो, तो जब भी हम स्विच दबाएंगे तो ये पॉइंट इसके साथ मिलेगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ, इस प्रकार से होता है फ्रेंड्स। तो अब हम क्या करेंगे, जो इसका पॉजिटिव है इसमें हमें बैटरी के देना है। अभी हम चार्ज करने की बात नहीं करते हैं, सिर्फ बैटरी की बात करते हैं। अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं सिंपल बता देता हूँ, ये दोनों वायर इधर लगे हुए होते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इधर हमें बैटरी कनेक्ट करनी होती है इस वायर में, तो इसका पॉजिटिव हम इधर कनेक्ट करेंगे और जो हमारी बैटरी का पॉजिटिव है वो भी हम एक साइड कनेक्ट कर देंगे। जब भी हम स्विच दबाएंगे हमारी ये बैटरी पे वर्क करेगा, और जब भी ये स्विच हम हटा लेंगे हमारा ये बैटरी पे वर्क नहीं करेगा। उतना कनेक्शन हो गया है, तो क्या करने वाले हैं फ्रेंड्स वो देखिए। तो अब हम इसे चार्ज करने की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो उसका भी सिंपल फंडा है फ्रेंड्स, इसमें क्या दिक्कत होगी फ्रेंड्स, इसमें हमें एक डायोड लगाना पड़ेगा, वरना क्या होगा इसकी पावर जो बैटरी की पावर है वो दूसरे कैपेसिटर में भी जाएगी, तो ये हमारा चार्ज नहीं होगा, उल्टा इसको पावर देगा। तो उसके लिए हमें एक डायोड लगाना पड़ेगा। इधर 11.3 वोल्ट आ रहे हैं, मैं अभी आपको चेक करवा देता हूँ। ये देख लीजिए फ्रेंड्स 11.3 वोल्ट अप्रोक्स आ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके दो वायर निकाल के हम इधर दे देंगे ताकि हमारी ये बैटरी चार्ज हो सके। लेकिन अगर आपने ऐसे ही दिए तो ये कैपेसिटर फट जाएगा, आपको डायोड लगाना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो देखिए मैंने नेगेटिव वायर पे इस प्रकार का एक डायोड लगा दिया है, तो इसका नेगेटिव साइड रहेगा
और इसके पॉजिटिव साइड पे हम इस एम्पलीफायर बोर्ड का नेगेटिव साइड लगा देंगे जहाँ पे हमारे 11 वोल्ट आ रहे हैं, और इसके पॉजिटिव को हम कनेक्ट कर देंगे। फ्रेंड पहले के वोल्टेज देखिए फ्रेंड्स, ये ऑलरेडी फुल चार्ज ही है, 11.11 वोल्ट आ रहा है। फ्रेंड्स देखिए 11-12 हो रहा है, यानी कि ये हमारी चार्ज हो रही है ये बैटरी। ये फ्रेंड्स फाइनली मैंने इसे पूरा कर लिया है। तो इसमें दिक्कत क्या आ रही थी फ्रेंड, जब भी हम इधर लगा रहे थे इसके चार्ज के लिए, इस कैपेसिटर की पावर इसमें भी जा रही थी। यानी कि क्या हो रहा था फ्रेंड्स कि हमारा जो ये स्पीकर है अंदर बार होता रहता है और तेज हमिंग आ रही थी, इसलिए मैंने चार्ज करने के लिए इधर सॉकेट में कनेक्ट कर दिया है। यानी कि हम बाहर से एक्सटर्नल चार्ज कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास कोई टूल था नहीं फ्रेंड्स, तो मुझे बहुत दिक्कत हुई इसको काटने में, और इधर मैंने एक 220 वोल्ट का सॉकेट लगा दिया है इसे चलाने के लिए। तो ये बिल्कुल अब रेडी है, तो अब हम एक बार इसे टेस्ट करके देखेंगे फ्रेंड्स। बहुत मेहनत के बाद मैंने इसे फाइनली बना लिया है जैसा मुझे बनाना था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। तो इधर देखिए ये स्विच मैंने बैटरी के लिए लगाई है, ये वॉल्यूम, ये बास, ये ट्रेबल, ये बैलेंस, और इधर एफएम की सर्किट थी लेकिन वो थोड़ा टूट गया था इसलिए मैंने इसे नहीं लगाया। ये माइक के कनेक्शन भी मुझे ज़रूर नहीं है इसलिए नहीं किए। ये पावर का है बस 220 वोल्ट का, देखिए ये 12 वोल्ट डीसी है हमारी बैटरी को चार्ज करने के लिए। ये स्पीकर ग्रिल है, इधर हम ऑक्स केबल लगा सकते हैं और इधर हम डायरेक्ट ऑक्स पिन लगा सकते हैं फ्रेंड्स। तो पहले मैं आपको बैटरी से ही चला के दिखाने वाला हूँ, बाद में इसे कोड से चला के भी देखेंगे। तो इसको भी हम इसी स्पीकर के साथ टेस्ट करने वाले हैं फ्रेंड्स। इस प्रकार से फ्रेंड्स मैंने पूरा बना लिया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और देखने के लिए फ्रेंड्स।